हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष है। मेरे बेसिक कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कॉस्टशीट के कुछ टिप्स बताने वाला हूँ। अभी आपको मैं कॉस्टशीट का फॉर्मेट बता देता हूँ। देखो, जैसे सबके फॉर्मेट बनाते हैं वैसे ही, जैसा पर्टिकुलर यूनिट और अमाउंट, ये दोनों आपको डिसेबल बनाना है। ये पहला जो है वो रफ वर्क के लिए और ये दूसरा फाइनल अमाउंट के लिए हमको लिखना पड़ता है। देखो, पहले हमको कुछ मैंने पॉइंट्स बता दिए हैं जो बहुत बार क्वेश्चन में पूछते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है, तो ये हमको पहले लिखना पड़ता है। उसके बाद परचेस, जो क्वेश्चन में रहता है। परचेस यानी जब हम नया वाला परचेस करते हैं मार्केट से, वो वाला रॉ मटेरियल। उसके बाद कैरिज इनवर्ड, जो हमको खर्चा लाने के लिए पड़ता है, जो ये तो टैक्स का ही है, टैक्स जैसा ही है, तो वो हमको इसमें ऐड करना पड़ता है। उसके बाद हमको उसमें से लेस करना पड़ता है क्लोजिंग स्टॉक। और याद रखिएगा कि कौन सा भी क्लोजिंग रहेगा वो हमेशा लेस रहता है कॉस्टशीट में, और बाकी का बाकी पूरा का पूरा प्लस ही हो जाता है। यहाँ पे ये इनर कॉलर में हम पूरा अमाउंट लिखते हैं और उसकी अमाउंट फाइनल फिगर बाहर लिखते हैं, और ये जो फाइनल फिगर है उसको कहते हैं मटेरियल कंज्यूम। ये सीक्वेंस आप मत भूलिए। ये यहाँ पे मैं आपको ABCD लिख के दे देता हूँ। ये ए, ये पार्ट हो गया ए का। यहाँ पे हमको मटेरियल कंज्यूम मिलता है मटेरियल। उसके बाद हमको डायरेक्ट वेजेस यानी और प्रोडक्टिव वेजेस, क्वेश्चन में कभी कभार प्रोडक्टिव वेजेस भी पूछते हैं, तो डरने का नहीं कि ये प्रोडक्टिव वेजेस जो है वो डायरेक्ट वेजेस ही है, और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रॉयल्टी आती है। तो ये पूरे डायरेक्ट के डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए, वो भी हमको प्लस करने पड़ते हैं। इनर कॉलम में प्लस करने के बाद उसको बाहर लिख देना। यदि आपने ये बाहर लिख दिया तो इसको कहते हैं प्राइम कॉस्ट। ये आपके हो गए सेकंड स्टेप। ये सीक्वेंस मत भूलिए, मैं बार बार बता देता हूँ आपको। प्राइम कॉस्ट होने के बाद आपको ऐड करना पड़ता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में जितने भी आइटम्स रहते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑल आइटम्स रिलेटेड टू फैक्ट्री, यानी फैक्ट्री के रिलेटेड जितने भी आइटम रहेंगे वो हमको यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। इसमें बहुत सारे आइटम आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा कुछ लिखा दिया नहीं है। और उसमें दो आइटम और ज़्यादा आते हैं, वो मैंने लिख के दिया है, वो हमेशा क्वेश्चन में आते हैं, और ये इसलिए लिखे हैं कि आपको याद आना चाहिए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस, और इसमें से लेस करना पड़ता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, यानी जितने भी ओपनिंग है वो प्लस और जितने भी क्लोजिंग है वो माइनस। और इसकी इनर कॉलर में पूरे आपको अमाउंट लिखनी पड़ती है, और इसका आंसर आता है वो बाहर लिख देने का। और इसका जो फाइनल अमाउंट है वो उसको कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट, ये दोनों कह सकते हैं। उसके बाद हमको ऑफिस ओवरहेड्स प्लस करने पड़ते हैं। ऑफिस ओवरहेड में जितने भी रिलेटेड ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस रहेंगे या आइटम्स रहेंगी, वो हमको ऑफिस में ऐड करने पड़ते हैं। जैसा ही वैसा वर्क कॉस्ट का रहता है वैसा इसका ही लिखने देने का, वो भी बाहर लिखने के बाद नीचे उसकी अमाउंट लिखने की यानी एडिशन करने पड़ती है, उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद ओपनिंग ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग ऑफ फिनिश गुड्स, जैसा ही WIP है वैसा ही ओपनिंग रहता है, वो भी हमको लेस करना पड़ता है। जो ओपनिंग है वो प्लस और जो लेस करना है वो क्लोजिंग। उसके बाद इसकी अमाउंट भी बाहर लिखनी पड़ेगी, और ये बाहर लिखने के बाद उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसका मैं सीक्वेंस बता देता हूँ, ये बी हो गया। उसके बाद ये फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट को ये सी, इसको डी कहते हैं। आपको ध्यान रखने के लिए मैं यहाँ लिख के देता हूँ डी यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और मैं आपको बताता हूँ क्या क्या प्लस करना पड़ता है, वो मैंने बने ही बताया। ये देखो, ये और ये प्लस होने के बाद ये आंसर आता है। उसके बाद ये और ये आंसर जब आप प्लस करेंगे तो ये आंसर आएगा, और ये आंसर और ये आंसर प्लस करने के बाद ये आंसर आता। वैसे ये सब कुछ ऐसा ही रहता है, इसका भी वैसा ही, ये दोनों एडिशन करने के बाद ये आंसर आता है। यहाँ पे मैं प्लस प्लस साइन लिख के दे देता हूँ, यानी आप कभी कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा है क्योंकि वो पेज ख़त्म हो गया इसीलिए। तो उसके बाद इसमें ऐड करना पड़ता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। उसमें मैंने दो आइटम ज़्यादा लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत जन कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। बैड डेब्ट्स जो है वो प्लस करने पड़ते हैं, और कैरेज आउटवर्ड
ये भी हमको ऐड करना पड़ता है। ये दोनों आइटम इसलिए लिखे कि बहुत जन यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाता है, बैड डे वो ऑफिस ओवरहेड में और कैरेज आउटपुट भी ऑफिस ओवरहेड में बहुत ज़्यादा लोग लिखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ये प्लस करने के बाद वैसा ही जैसे इनर कॉलम में तीन के अमाउंट अंदर और बाहर लिखने के बाद हमको टोटल कॉस्ट और फाइनल कॉस्ट आती है। अभी इसको हम ई कह सकते हैं, और उसमें हम जब प्रॉफिट प्लस करेंगे और जितना प्रॉफिट रहेगा वो, और ये यहाँ पे सेल, यानी ये हमारा आखिरी पोर्शन रहेगा। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि इसको एफ और इसको जी कह सकते हैं आपको ध्यान रखने के लिए, और ये अमाउंट सीधी बाहर आ जाती है। और अभी मैं आपको पहले प्रॉफिट और कैलकुलेशन प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसा करना पड़ता है ये बता देता हूँ। बहुत जन बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन में कभी कभार सेल्स दिया रहता है तो हम सेल्स में से टोटल कॉस्ट लेस करने के बाद प्रॉफिट मिल सकता है, पर कभी कभी परसेंटेज में दिया रहता है। जब भी परसेंटेज में दिया रहता है तो उसमें दो केस रहते हैं, एक तो हमको प्रॉफिट कॉस्ट में लिखाना पड़ता है, नहीं तो सेल में। यदि अपने को कॉस्ट पर यानी 20% ऑन कॉस्ट ऐसा दिया है तो हमको कैसा करना पड़ता है आपको बता देता हूँ। एक एग्जांपल देके 20% ऑन कॉस्ट प्रॉफिट हमको निकालना पड़ता है, तो उसको हमको करना पड़ता है कि जब किसके ऊपर है, कॉस्ट के ऊपर है, तो कॉस्ट को हम बेस कहेंगे और उसको 100 लेंगे, और उसके बाद कितना परसेंट है, 20% है, तो प्रॉफिट में हम 20 लिख देंगे, और इन दोनों के एडिशन करने के बाद 120, यानी ये एक यूनिट का पर यूनिट इसका आंसर निकल जाएगा कॉस्ट का। सो और कॉस्ट यदि सो यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ, कॉस्ट यदि कॉस्ट के सामने हमारी टोटल कॉस्ट आ गई 10,000 और प्रॉफिट है 20 और सेल्स है 120, तो 100 में 10,000 है तो 120 में कितने, तो यहाँ पे ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। तो ये ऑन कॉस्ट बेसिस पे रहता है, वैसा ही इन केस ऑफ सेल्स में रहेगा। तो आपको बता देता हूँ, सेल्स में यदि सेल्स में यानी 25% ऑन सेल्स कहा है तो हम सेल्स को बेच लेंगे, उसको 100 लिखेंगे, उसके बाद प्रॉफिट पे 25 और कॉस्ट पे 20 75। सेम वैसे ही अमाउंट जहाँ पे ऊपर लिखे वैसे लिख देता हूँ, कॉस्ट में 75 है और हमारा टोटल कॉस्ट 10,000 आ गया है, उसके बाद प्रॉफिट 25 है और सेल्स 100 है, तो कितना हमारा सेल्स रहेगा, तो इसका भी वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप मत भूलिए, ये पॉइंट्स बहुत ही ज़रूरी है। अभी आपको मैंने कॉस्टशीट के पूरे टिप्स बता दिए हैं, यदि आपने ये टिप्स किए तो आपका कॉस्टशीट भी आ जाएगा, उसके साथ साथ टेंडर कोटेशन ये दोनों भी आ जाएंगे, और रिकन्सिलाइजेशन स्टेटमेंट में जब आप पहले कॉस्टशीट बनानी पड़ती है उसमें भी आपको बहुत इसका यूज़ हो जाएगा। ये टिप्स बहुत ही आसान है, इसका आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपका बहुत आसान तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने बेल आइकॉन चिंग पर क्लिक नहीं किया है तो तुरंत कीजिए, मेरे जितने भी नए नए वीडियो आ जाएंगे तुरंत आपको दिखाई देंगे। धन्यवाद।